हेलमेट एवं सीट बेल्ट के लिए विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक जिला धार श्री मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में संपूर्ण जिले में समस्त थाना क्षेत्रों में दोपहिया वाहन चालकों द्वारा 100% हेलमेट उपयोग करने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विशेष अभियान के अंतर्गत जिला मुख्यालय स्थित थाना यातायात से पुलिस कप्तान श्री मनोज कुमार सिंह, जिला न्यायाधीश विधिक सेवा प्राधिकरण श्री उमेश कुमार सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र पाटीदार, डीएसपी लेश्वरी डावर द्वारा वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर आम जन को जागरूक करने हेतु एक विशाल वाहन रैली को शहर में रवाना किया गया। साथ ही सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को भी रवाना किया गया। रैली में लगभग 100 से अधिक पुलिसकर्मी दो पहिया वाहन पर हेलमेट लगाकर एवं जागरूकता संदेश की तख्ती वाहनों पर लगाकर शहर के प्रमुख मार्गों से निकले। रैली का नेतृत्व नगर पुलिस अध्यक्ष श्री देवेंद्र दुर्वे ने किया, जिनके साथ रक्षित निरीक्षक पुरुषोत्तम विश्नोई, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक श्री दीपक चौहान, थाना प्रभारी तिरला श्री जयराज सोलंकी एवं यातायात प्रभारी सुबेदार रोहित निकम उपस्थित रहे। संपूर्ण प्रदेश में दो पहिया वाहन हेलमेट लगाकर चलने एवं चार पहिया वाहन पर सीट बेल्ट लगाकर चलने हेतु एक विशेष अभियान जिले भर में चलाया जा रहा है। प्रतिदिन जिले के विभिन्न शासकीय व निजी विद्यालयों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही प्रमुख चौराहे पर पीए सिस्टम के माध्यम से एवं पैम्पलेट वितरित कर लोगों को हेलमेट पहनने के लिए समझाइश दी जा रही है। सेवा प्राधिकरण धार से मैं सचिव उमेश सोनी, मूलपत जिला न्यायाधीश है। यहाँ से विधिक जागरूकता कार्यक्रम कराए जाते हैं कि लोग साक्षर हों और साक्षर होने के साथ कानून का पालन करें, और ये पुलिस विभाग के सहयोग से आज हेलमेट लगाने का और सीट बेल्ट लगाने का प्रोग्राम किया गया है। यहाँ जनमानस से अपील है कि सभी लोग सीट बेल्ट लगाएं गाड़ी फोर व्हीलर चलते समय और हेलमेट का पहने, जिससे दुर्घटनाओं में कमी हो सके, जिंदगी को बचाया जा सके। इन्हीं के साथ मैं सबको बोलूँगा, अपील करता हूँ कि इसका पालन करें। धन्यवाद।